हेलो दोस्तों, मैं गुफरान उस्मानी आप सबका अपने YouTube चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शून्य क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। आपने पिछली वीडियो में सीखा कि बीजे व्यंजक क्या होते हैं, परिमेय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद तथा उनके प्रकार को सीखा। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शून्य से संबंधित प्रश्नों को हम अपने एग्जामिनेशन में कम से कम समय में कैसे हल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपना राय देना ना भूलें। तो आज का प्रश्न हमने लिया है कि एक परिमेय व्यंजक लिखिए जिसमें अंश एक द्विघात बहुपद, जिसके शून्य एक और माइनस एक है तथा हर एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्य दो तीन तथा चार है। तो इस प्रश्न को हम हल करने के लिए हमें इनमें फाइंड आउट करना है एक परिमेय व्यंजक और इनमें दिया हुआ है शून्य। अंश का जो शून्य है एक तथा माइनस एक है और हर के तीन शून्य दिए हुए हैं दो तीन तथा चार है। तो हम परिमेय व्यंजक को हल करने के लिए क्या लिखते हैं कि परिमेय व्यंजक, जैसा कि हम जानते हैं परिमेय व्यंजक बराबर होता है अंश का बहुपद और हर का बहुपद। अंश का बहुपद को हम पी एक्स से भी डिनोट करते हैं और हर के बहुपद को क्यू एक्स से डिनोट करते हैं, जहां पर क्यू एक्स नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आप ये जानते हैं अंश और हर, लेकिन यहां पर हमें अंश को पता करना है जो इसमें द्विघात है और हर को पता करना है जो एक त्रिघात बहुपद है। तो यहां पर इस प्रश्न में आपको जो सबसे मेन पॉइंट समझना है कि शून्य, ये शून्य क्या होता है। तो इसी शून्य पर बेस्ड ये वीडियो है। तो हम शून्य को समझने के लिए, शून्य को हम क्या कहते हैं कि किसी भी बहुपद में एक्स के वे मान जिनको हम अगर एक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दें तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उन्हें ही हम शून्य कहते हैं या शून्य कहते हैं। जैसे अगर इनमें हम एक्स की कोई वैल्यू रखें, जैसे माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, यहाँ पर टू का वर्क करेंगे हो जाएगा फोर और पाँच गुना माइनस दस प्लस छः, छः चार दस, दस में से आपका दस गया कैंसिल जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पर टू माइनस पुट की वो इस बहुपद को जीरो बना रहा है। तो इसका मतलब ये एक्स बराबर माइनस टू इस बहुपद का एक शून्य है। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि एक्स बराबर माइनस टू जो पुट कर दिया इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस पर हम चलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, ये आपका एक बहुपद है, अगर हम इसको बराबर लगा देंगे और जीरो कर देंगे तो ये आपका समीकरण होगा। अब इस समीकरण को हल करने के लिए एक सिंपल सा वे है कि जब एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला एक पद होगा और एक्स वाला एक पद होगा और सिक्स यानी एक कांस्टेंट अचर पद होगा, तब इनको हम हल करने के लिए एक सिंपल सा वे लगाते हैं, एक सिंपल सा मेथड है। क्या है, एक्स स्क्वायर को सिक्स से हम गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर। अब इनका हम ऐसा गुणनखंड करें कि बीच वाले के बराबर जोड़ने या घटाने पर आ जाए, तो इनको हम लिख सकते हैं 3x इंटू 2x, 3x और 2x को गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। अब इनको हमें ऐसा जोड़ना या घटाना है कि मध्य पद के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x आपका कितना हो जाएगा 5x, यानी कि ये जो वैल्यू है जो हमने गुणनखंड करके जोड़ी या घटाई ये इस बहुपद को बैलेंस करेगा समीकरण को। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो, इसका मतलब है इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें चार पद हो गए। अब इनमें हम कैसे इनको हल करेंगे, दो पद अलग कर लेंगे, दो पद अलग इंडिविजुअली, दो दो पद में हम कॉमन पार्ट देखेंगे। तो इन दोनों पद में कॉमन आपका है x और बचा x प्लस थ्री, और इन दोनों में कॉमन आपका है टू और आपका ब्रेकेट में बचेगा x और टू को थ्री से, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स जीरो। अब यहाँ पर एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री दो बार है तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे और एक्स प्लस टू बराबर जीरो।
अभी एक बार x प्लस थ्री बराबर जो हम लेंगे जीरो, तो x बराबर यहाँ पर देखिए आपका एल एच एस से आर एच एस में जब ले जाएंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, और दूसरा x प्लस टू बराबर जब जीरो में मान लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस टू। तो आप देखिए यहाँ पर जो माइनस टू आपकी x की वैल्यू निकल कर आई जो मैंने पुट की थी और समीकरण को जीरो बना दिया था, तो इसका मतलब यही वो जो वैल्यू है माइनस टू माइनस थ्री इस बहुपद को शून्य कर पाएगा, तो यही आपकी वैल्यू इस बहुपद की शून्य कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि किसी भी बहुपद में जिनमें घात अधिकतम दो हो उनके दो से अधिक शून्य नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर कोई भी आपका बहुपद है वो अगर उनमें मैक्सिमम पावर तीन है तो इसका मतलब उस बहुपद के अधिकतम शून्य तीन हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा नहीं, यानी कि उसकी जो पावर मैक्सिमम होती है उस बहुपद की वह उतने ही शून्य हो सकते हैं या उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्तों कभी नहीं होंगे। तो हम इन सवालों को अब हल करते हैं। सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो दिया हुआ अंश एक द्विघात बहुपद है और जिनके शून्य एक और माइनस एक है, तो हमें अंश प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर यहां पर देखिए रिवर्स प्रोसेस करेंगे। देखिए x बराबर माइनस टू है और इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हमारे शून्य दिए हुए एक और माइनस एक, इसलिए इसको रिवर्स प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। तो x बराबर आपका दिया हुआ है एक, तो हो जाएगा एक, यहाँ पर हम इन्हें लाएंगे एल एच एस में तो आपका माइनस हो जाएगा जीरो, ऐसे x बराबर आपका दिया है माइनस एक तो हो जाएगा x प्लस वन आपका बराबर जीरो। अब इनको हमें बहुपद बनाने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन। अब जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा देखिए x को x से एक्स स्क्वायर, x को वन से प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस वन को x से माइनस एक्स, और माइनस वन को प्लस वन से माइनस वन, एक्स से एक्स कैंसिल, देखिए माइनस प्लस में बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका होगा। तो ये आपका आंसर है। अब आपने अंश फाइंड आउट कर लिया, अब हम हर फाइंड आउट करेंगे। अंश आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अंश बराबर यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका x बराबर दिया है टू, x बराबर दिया है टू तो हम इन्हें इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस टू, ऐसे आपका दूसरा होगा x बराबर थ्री तो हो जाएगा x माइनस थ्री, ऐसे x बराबर फोर, x माइनस फोर। अब हर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सबको गुणा कर देंगे x माइनस थ्री, x माइनस टू, x माइनस फोर। जैसे यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आई थी उसके बाद में क्या हुआ था इनका गुणा, तो हर में जो बहुपद प्राप्त करना है हमें इनका क्या करना है सबको गुणा, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर। अब हम इन्हें गुणा करने के लिए क्या करेंगे देखिए x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, ये आपका हर होगा। अब देखिए इनमें आपको तीन पद दिखाई दे रहे हैं, पहले दो पद का गुणा करेंगे, x को x से x स्क्वायर, x को 3 से माइनस थ्री एक्स, और माइनस टू को x से माइनस टू एक्स, और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स, ऐसे दूसरा आपका ब्रेकेट में होगा। इनको गुणा करने के लिए पहले x से इस पूरे पद में गुणा कर देंगे, फिर माइनस फोर को इस पूरे पद में गुणा करेंगे, जैसे x को x स्क्वायर से आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को x से आपका माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस फाइव एक्स से x को माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, सिक्स को x से प्लस सिक्स एक्स। अब यहाँ पर माइनस फोर से पूरे टर्म में गुणा करना है, माइनस फोर को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर को माइनस फाइव से माइनस माइनस प्लस, चार पंचे बीस आपका x होगा, और सिक्स को फोर से माइनस प्लस माइनस, छः चौको चौबीस। अब इनमें जो जुड़ेगा घटेगा हम इन्हें लिख लेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस नौ एक्स स्क्वायर, और सिक्स एक्स और बीस एक्स आपका हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर।
अब इनको हम क्या करेंगे, ये आपका हर फाइंड आउट हो गया। हमें ज्ञात करना है एक परमेय व्यंजक लिखिए, तो परमेय व्यंजक आपका देखिए यहाँ पर अंश अपान हर, अंश आपको पता हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वन है और हर आपका है एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, यही आपका